बैंगन है, पेठा है, ये थोड़ी सी दाल है। गेस करके बताओ क्या बन रहा है। इडली, इडली खाने वाले हैं हम। ये देखो, ये है नारियल की चटनी और ये है हमारी टमाटर की। हाँ, टमाटर। और ये है सांबर। ओए होए 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 भाई। तो प्याज पालक और पनीर का पराठा बन रहा है इधर। धुएं निकल रहे हैं उधर सुबह सैरी के टाइम। इतने मम्मा उधर पराठा बना रहे हैं और इधर मैं अपना काम समेट रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी जस्ट ऑफिस खत्म हुआ है। इसके साथ साथ अभी आप टाइम देख सकते हो, सुबह के 4:45 हो गए हैं, ठीक है, 11 तारीख। एंड इधर भी एक काम चालू है मेरा क्योंकि मुझे ट्रांसफ़र करना था क्योंकि फ़ोन में जगह नहीं थी, ये भी रह गया, और एक शूट करना है वो भी रह गया। मतलब मैं क्या क्या करूँ, मेरी तो मतलब लगी पड़ी है बहुत ज़्यादा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। और अभी अपन अपना काम समेट लेंगे यहाँ से क्योंकि हमें इधर लॉग आउट करना होता है, हमारा टाइम हो गया है ऑफिस का, लॉग आउट कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा गंदा सा सेटअप है मेरा, बट ये मेरा सेटअप है और यहाँ पे मैं बैठता हूँ और यहाँ पे शूट भी चलते रहता है साइड बाय साइड, जो भी हम वीडियो बनाते हैं आप जो देखते हो ना पीछे, तो ये वही वाला पीछे का बैकग्राउंड होता है। और मम्मा ने यहाँ पे मक्खन डाल दिया है और पूरी की पूरी रोटी रड़ चुकी है। और इधर दही मक्खन के साथ विद कांधा लहसुन, दिस इज मैंडेटरी फॉर मी। यहाँ पे मम्मा हमारे लिए लस्सी बना रही है क्योंकि दही सुबह में वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह सुबह लोग बोलेंगे कि भाई इतना हेल्दी खाना, यार पंजाबी हैं हम, हेल्दी ही खाएंगे। अभी थोड़ा सा हमारा स्वैग ही अलग होता है कि नहीं। सुबह सुबह पराठे के बिना भाई चलता नहीं है, दो पराठे तो चाहिए। आप सबके लिए मुझे अभी एक वीडियो भी शूट करनी है, विच इज़ पेरेंट्स का रिएक्शन। मेरी हालत थोड़ी सी खस्ता हुई पड़ी, बट सोच रहा हूँ कि सहरी करने के बाद फजर की नमाज करूँगा एंड उसके बाद शूट करके सो जाऊँगा। सोने के बाद उठूँगा सुबह और सुबह फिर इससे थोड़ा सा काम है, फिर उसके बाद हम अपना इफ्तारी भी करनी है शाम को, वो भी शूट करेंगे इसी में। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, अभी मैं सहरी करूँगा, वो भी दिखाता हूँ क्या क्या खा रहा हूँ मैं। एक चीज़ देखी है कि मतलब लोग ना इसलिए, मतलब ये चीज़ एक मुस्लिम ही समझ सकता है, एक मुस्लिम, एक नॉन मुस्लिम जब ईमान लेके आता है तो वो खुशी जो होती है ना एक मुस्लिम को, भाई अलग लेवल, अलग लेवल भाई, अलग लेवल। वो एक मुसलमान ही समझ सकता है। अगर कोई नॉन मुस्लिम वो देखेगा ना कि यार ने मतलब अभी इस्लाम कबूल किया और इसको इतनी अप्रिसिएशन क्यों और कैसे मिल रही है, और वो मुसलमान ही समझ पाएगा उस चीज़ को क्योंकि बंदा जहन्नुम जाने से बच गया, उसने अपनी आखिरत सेट कर ली एकदम। तो ये सीन होता है, ये खुशी होती है एक मुसलमान को, इसीलिए वो बहुत खुश होते हैं। और दैट्स द रीज़न आई एम गेटिंग सो मच दुआएं, आय हाय हाय, अलग लेवल दुआएं भाई। इतनी दुआएं लग रही हैं मुझे, इतनी दुआएं लग रही हैं, मैं पूरा दिन कमेंट पढ़ते रहता हूँ पूरा दिन, मेरे को खाना हजम नहीं होता है भाई, क्या करूँ मैं। तो अभी हो रहे हैं 4:50 और मेरे पास टाइम है सिर्फ गिन के 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट में मुझे ये खाना फिनिश करना है। पर ये तो मैं 5 मिनट में कर दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भुक्कड़ इंसान हूँ मैं। खाना खाते खाते हम थोड़ा सा अब्दुल मलिक फरीद साहब की वीडियो देखेंगे। अब्दुल मलिक फरीद आ गए अब्दुल भाई, ये वाला देखना है क्योंकि ये वाला व्लॉग नहीं देखा है अभी तक। भाई कॉपी राइट मत मार देना हमारे व्लॉग पे। चलो जी, सहरी कर लिया हमने फाइनली, रोजा रख लिया है। अभी थोड़ा सा व्लॉग खत्म करके अंदर जाके शूट करेंगे, है ना। नहीं नहीं, अंदर जाके पहले फजर की नमाज। अभी मैं थोड़ा, अभी नहीं फजर की नमाज पढ़ रहा बिकॉज अभी खाना खाया ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। 15 मिनट्स रुक के फजर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे शूट करेंगे, फिर सो जाएंगे। ओ भाई वो देखो, ये देखो भाई क्या चल रहा है भाई, गाड़ी के अंदर भाई, लेक्सी में। तो जी वुजू कर लिया हमने एंड वुजू करने के बाद अगर आप ये छोटी सी दुआ पढ़ लोगे ना, ये हदीस है एक रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर आप पढ़ोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु, तो इससे आपके लिए 8 जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और आप जिस दरवाजे से जाना चाहो आप उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो सकते हो। ये एक हदीस मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। अभी हम नमाज पढ़ेंगे एंड नमाज पढ़ने के बाद सो जाएंगे। मेरी जान नहीं है मेरे में कि मैं अभी शूट करूंगा, हालत थोड़ी खराब हो चुकी है, सुबह उठ के फ्रेश होके शूट करेंगे। Approximately 10 hours later. हाँ जी, तो नमाज हमने पढ़ ली है, अभी हम थोड़ा सेटअप लगा रहे हैं, ठीक है, अभी शूट करना है जो मैंने सुबह बताया था आपको। ये देखिए
ये वाला सीन कर रहे हैं हम, देखो उधर दिख रहा है मैं, और ये देखो जो मैंने अभी व्लॉग बनाया ना, ये वाला देखो, ये एडिट भी कर रहा है सुबह का जो व्लॉग, भाई हमारा एडिटर है बहुत बड़ा। A few moments later. तो इफ्तारी की तैयारी हो रही है, थोड़ा सरप्राइज है, पता चलेगा कि क्या बन रहा है आज। ये देखो भाई मैरिनेट करके कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, पनीर है ये पनीर, और ये भी बनेगा, बहुत तगड़ा बनने वाला है। और एक कांड हो गया, ये थोड़ा सा अंदर रख दिया था, ठंडा नहीं हो गया ये थोड़ा, ये पत्थर बन चुका है। बैंगन है, पेठा है, ये थोड़ी सी दाल है, और ये ड्रम स्टिक्स है। ये बाहर का मौसम बहुत सुहाना हुआ पड़ा है आज, बारिश वाला मौसम है, फुल्ली बारिश। इधर एडिटिंग हो रही है हमारी, पेरेंट्स रिएक्शन वाली, करते रहो तुम एडिटिंग, एडिटिंग करो एडिटिंग। ये सब कुछ यहाँ पे बन रहा है, गेस करके बताओ क्या बन रहा है। ओ मम्मी मेरे मुंह पे पड़ा। आई होप आप सब लोग समझ ही गए होंगे ये क्या है। ये है सांबर, सांबर बन रहा है, सांबर इडली वड़ा डोसा सांबर। अभी मम्मा तड़का डाल रहे हैं उसमें, जो मम्मा ने इतना मस्त तड़का बनाया था, होटल वाला कोई बना के दिखाए बस ऐसा तड़का। ये डालते मम्मा की हेल्प करा रहे हैं हम भी, हमें कुछ आता तो है नहीं पर फिर भी चलो। सो गाइस मगरिब का टाइम है 6:50 PM, अभी देखो एक मिनट बाकी है, और खजूर हमारी रेडी है, इफ्तारी करेंगे और पानी का गिलास। इफ्तारी करने के बाद पहले नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद वापस आके थोड़ा सा खाना खाएंगे, फिर उसके बाद डिनर करेंगे, ठीक है जी। इसको अंदर लेके जाता हूँ, अंदर बैठ के करता हूँ, अगर लाइट नहीं है ना। हाँ जी, सो अभी मैं इफ्तार करने वाला हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी शदीद प्यास लगी थी ना सुबह जब मैंने लस्सी पी ना, तब से प्यास लग रही है सुबह से ही, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आज मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं दूसरों को बोलता देखता हूँ ना बोलते हुए कि भाई रोज़ा लग रहा है रोज़ा, मैं सोचता था यार मेरे को क्यों नहीं लगता, आज लग रहा है मेरे को रोज़ा। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इफ्तारी करने से पहले हमेशा दुआ मांगो, क्योंकि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए अल्लाह मैं तेरे जितना करीब हूँ क्या कोई और तेरे उतना करीब आ सकता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया एक उम्मत आएगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनके वक्त में एक मंथ आएगा विच इज रमज़ान का महीना आएगा, एंड वो रमज़ान के महीने में जब वो पूरे दिन भूखे प्यासे रहेंगे, और इफ्तार के टाइम पे जब उनके होंठ सूख रहे होंगे, तो मैं उनके इतना करीब होऊंगा कि वो लोग जब मुझसे कोई दुआ मांगेंगे उनकी दुआ कबूल होगी। तो यू नेवर नो, आपकी जो भी दुआ है आप दुआ मांगो इफ्तार से पहले, एंड उसके बाद इफ्तार करो। मैंने हदीस में भी बहुत अच्छे से नहीं सुनाई, मुझे पता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था, मैंने बहुत अच्छे से बताई थी क्योंकि मैंने पढ़ के बताई थी, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ थोड़ी सी। बट येस, अभी भी सबसे पहले मुझे नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, जो मगरिब की नमाज़ है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाऊंगा हल्का फुल्का, एंड उसके बाद मेरी मीटिंग है, मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है 7:30 को, अभी 7:00 हो रहा है, तो 7:30 को मेरा ऑफिस है, लॉग इन करूँगा, मीटिंग लूँगा, मीटिंग लेने के बाद घर जाके थोड़ा सा जो बनाया है, जो बना रहे थे, जो आप देख रहे हो, तो वो भी आपको दिखाऊंगा पूरा खा के, पूरा अच्छे से, मज़ा आने वाला है आज तो ज़बरदस्त। ये है हमारा ओवन है, हाँ, और ये रहा पनीर, ओए होए होए होए। यार मम्मा पूरा हाथ से करते हैं, इतना गरम गरम पता नहीं कैसे, मैंने एक दो बार ट्राई किया था मेरा हाथ ही जल गया था। मम्मा तो मम्मा है, चलिए रोस्ट करना है। और चीज़ तैयार की है, ये है टमाटर की चटनी जो इडली के साथ खाई जाती है, इडली और डोसे के साथ, और यहाँ पे इडली धरी जा रही है। मम्मा ये गर्म था नहीं, इसमें इडली डालेंगे, इडली बनेगी, और ये सांभर तैयार हो चुका है, और इसमें इडली बनेगी, इडली यहाँ पे बनाएंगे हम, मज़ा आने वाला है। ये इडली का आटा बाहर से मंगवाया है, और ये बनेगी इडली, इससे इससे इडली डोसा इससे ही बनेगा ना मम्मी, इडली डोसा बैटर, ये हाँ जी। सो अभी इडली बनने की तैयारी चालू है भाई, इडली कभी खा के देखो बहुत स्वादिष्ट होती है, अगर नहीं खाई तो जी ऐसे बनती है इडली। हाय 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 हाय, जाएगा यहाँ पे, और ये स्टीम से बनता है गाइस, ये देखो चीज डल गया है ऊपर, हाय 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 हाय, जब ये पिघल जाएगा तो कितना स्वादिष्ट लगेगा,
भाई साहब जबरदस्त पनीर, चीज पनीर, ये देखो पनीर टिक्का विद चीज, मम्मा ने कितना मस्त सजाया है भाई, जबरदस्त। और ये इडली, तो जी अभी हम बिस्मिल्लाह करने वाले हैं चीज पनीर के साथ विद ये जो चटनी मैंने आपको बताई थी टमाटर की, और ये है सांबर, और ये है नारियल की चटनी, खजूर, आम जो मैं अभी नहीं खाऊंगा, और ये तो मैं ज़रूर खाऊंगा, ये सॉस भी, टमेटो केचप। तो अभी खाना स्टार्ट करने वाले हैं, अभी आपको टेस्ट करके दिखाएंगे पनीर देसी स्टाइल में, ठीक है जी। तो ये जो है ये है हमारा चीज पनीर, भाई ऐसा नहीं लग रहा मुर्गे जैसे, है ना, मुर्गा जैसे, जैसे अब्दुल मलिक फरीद साहब दिखाते ना सेम वैसे ही लग रहा है भाई, अलग लजीज लाजवाब। को हम लेंगे थोड़ा सा सॉस लिया मैंने टमाटो केचप, थोड़ा हमने ब्रेड लेंगे, ब्रेड का एक टुकड़ा पिज्जा ले लेंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजा आ गया मम्मा, बहुत स्वाद बने। इडली, इडली खाने वाले हैं हम। ये देखो ये है नारियल की चटनी, और ये है हमारी टमाटर की, हाँ, टमाटर, और ये है सांबर। ओए होए 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 भाई, अलग लेवल भाई, अलग लेवल। एक तो बंदा सुबह से भूखा हो और ऊपर से ये चीज मिल जाए तो अल्लाह शुक्र है। और पनीर भी मिल जाए भाई, और भाई लग नहीं रहा मुर्गा, सच में मुर्गा लग रहा है भाई। तो मैंने अभी एक घंटे की ब्रेक ली थी मेरे ऑफिस से काम करके, एंड घंटे की ब्रेक में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अब्दुल मलिक फरीद साहब का व्लॉग देख रहा हूँ इस सारी का। वो व्लॉग देखने के बाद फिर से काम पे वापस जाएंगे, और सुबह तक काम करना है, सुबह फजर की नमाज पढ़ के सो जाना है। तो यही हमारा दिन की रूटीन होती है, डेली यही करते हैं। तो अभी व्लॉग देखते हैं। तो ये व्लॉग चल रहा था, 10 रियाल की इफ्तारी करनी है इन्होंने, 10 रियाल की। अरे अरे कीमे वाले समोसे यार, ये इधर नहीं मिलते, मतलब मिलते होंगे बट मुझे नहीं पता कहाँ मिलते, देखेंगे। बट जबरदस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लास्ट तक एंड तक हमारा व्लॉग देखा। आई होप मैंने व्लॉग में कुछ बोर नहीं किया होगा, मैं इतना प्रो नहीं हूँ व्लॉग बनाने में, बट मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से व्लॉग बनाना सीखेंगे और आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेंगे, एंड व्लॉग बनाएंगे जब जब भी टाइम मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर व्लॉग बनाएंगे। और आप सब दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, लैलतुल कद्र की जो रात आने वाली है उस टाइम मेरे लिए थोड़ी सी दुआएँ कर देना, क्योंकि एक नमाज की जो वैल्यू है ना वो 84 ईयर्स की वैल्यू के बराबर है, मतलब अगर आप अगर एक इबादत करोगे उसकी तो आपको अजर मिलेगा 84 ईयर्स। अलग लेवल अजर है भाई, एक दुआ कर देना थोड़ी सी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच, आपको सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।